मैं जा रहा हूँ खेल की तरफ, सुबह व्यू चेक करें यहाँ का। ओए ओए ओए, क्या बात है। यहाँ पे इस तरह की नहर है, तीन साढ़े तीन घंटे पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग जा रहे हैं लेकिन मेरे साथ वाले मना करे, मैं तो चाहने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं चाचा कह रहे थे इसका नाम है दूध वाली नहर कह रहे थे। तो ये चाचा ने कहा अगर इसके अंदर पैर रखेगा तो इधर दीवार को क्रॉस करता वहां से निकलेगा। बहुत ठंड है और बहुत ठंडा पानी है। देख सकते हो सामने एक पत्थर है जिसे इंसानी शक्ल का कहा जाता है, आपको दिख रहा होगा पहाड़ पे। ठीक ठाक हम लोग लोगों ने एंजॉय किया यहाँ पे। चले हम जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने इंडियन बॉर्डर है, आप देखें वो किस तरह से हमें हाथ दिला रहे हैं। अरे होटल का व्यू था तो हम जहाँ पे रुके हुए थे हम रूम में थे, अब यहाँ से निकल रहे हैं तो हम जा रहे हैं खेल की तरफ। वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है और देख रहे होंगे जिस तरह मैंने हाईनेक और शॉल ली हुई है, बहुत सर्दी का आलम है। सामने का व्यू खूबसूरत देखें आप। मैं जा रहा हूँ खेल की तरफ, सुबह के सुबह 6 बज रहे हैं, बहुत ठंड है, बहुत तेज़ बारिश है। अभी हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, हम उस तरफ जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको पता चल जाए। आपको आवाज़ आ रही होगी बारिश की, बहुत ठंड है भाई, तो वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखा दें। नाश्ता आ गया है, इर्ज़ा भाई हमारे साथ हैं, दो लड़के भी हमें अभी मिले, नाश्ता करके हम लोग यहाँ से निकले। अरे यार आगे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। बाकी आपको आगे पहुँच के दिखाते हैं क्या आगे के क्या मनाजिर हैं। आप पीछे मेरे व्यू देख सकते हैं, बादल देख सकते हैं, ये कितना अच्छा मौसम हुआ है। सर्दी बहुत है लेकिन मुँह से धुएं भी निकल रहे हैं। तो बाकी आपको पहुँच के दिखाते हैं। ओके हम खेल की तरफ जा रहे हैं, हम खेल की तरफ जा रहे हैं और ये रहा मैं, और आपको व्यू भी दिखाते हैं। भाई हमारे साथ हैं इर्तजा भाई भी, और आप व्यू चेक करें यहाँ का। ओए 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 क्या बात है। तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चेयर लिफ्ट में बैठेंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे। अभी हम लोग चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, इर्तजा भाई फरहान भाई हम लोग साथ खड़े हैं और लाइन में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको व्यू भी दिखा दो, चलो यहाँ का व्यू आप चेक करें। हमने डंडिया भी ली हुई है, डंडिया भी ली हुई और लाइन में लगे, तो अब वहाँ पहुँच के दिखा दें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। लेकिन जाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे, चेयर लिफ्ट ही खराब हो गई। किस्मत देखें, किस्मत देखें हमारी कितनी खराब किस्मत है। हमने अब हाँ 2 घंटे हो गए मैं यहाँ वेट करते हुए, अभी तक चेयर लिफ्ट का जनरेटर ऑन नहीं हो रहा और अभी तक हम पहुंच चुके होते, घूम के भी आ रहे होते, अब वेट कर रहे हैं देखें क्या होता है, सही होती है नहीं, वरना तो फिर हमें दोबारा वापस जाना पड़ेगा। खराब हो गए, कह रहे हैं भाई चेयर लिफ्ट जो है वो खराब हो गई, चेयर लिफ्ट के थ्रू जाया जा सकता था, अगर अपने पैदल जाने 2 से 3 घंटे लगेंगे। अब हम खेल नहीं जा पा रहे, हम नीचे उतर रहे हैं, देखें कहाँ जाते हैं, रत्ती गली का प्लान करते हैं, जो भी होता है वो आपको बताता हूँ। महसूस हो रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं पैदल का तकरीबन 3-3.5 घंटे का रास्ता है, 3-3.5 घंटे पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग जा रहे हैं लेकिन मेरे साथ वाले मना करे, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, तो अब अकेला मैं जा नहीं सकता, उनके साथ में चलना होगा वापसी, मैं वापसी की तरफ। देख सकते हैं हम एक व्यू पे आए, उसको पता नहीं चाचा कह रहे थे इसका नाम है दूध वाली नहर कह रहे थे, तो आप पीछे नहर को देखें किस तरह की नहर बह रही है। आप इस तरह की नहर है, बहुत ही तेज पानी आ रहा है यहाँ पे, और यकीन करें पैर हमारे ठंड से जम रहे हैं। ये इर्तदा भाई, तो ये चाचा ने कहा अगर इसके अंदर पैर रखेगा तो इधर इस दीवार को क्रॉस करता वहां से निकलेगा। इर्तदा क्या करेंगे ऐसा करके, बहुत ठंड है और बहुत ठंडा पानी है। इर्तदा भाई क्या कहेंगे, सर्दी हो रही है भाई। यहाँ से हम जा रहे हैं, पानी बहुत ठंडा है, मेरे पैर ऐसा लग रहा है जम गए, पैर जम गए। आप देख सकते हैं पीछे का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या खूबसूरत व्यू हुआ है। अभी हम जा रहे हैं उससे पॉइंट की तरफ और आपको बताते हैं कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ। अभी हम एक और पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे नहरें बहुत है, पैर घूमने नंगे पैर है कपड़े उतारी में, लेकिन ये एक अलग है, यहाँ पे एक ब्रिज भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं सामने एक पत्थर है जिसे इंसानी शक्ल का कहा जाता है, आपको दिख रहा होगा पहाड़ पे। और पॉइंट पे रुके हैं, यहाँ पे भी पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट का नाम मैं भूल गया हूँ, क्या नाम है इस पॉइंट का। इस वक्त हम एक और पॉइंट पे रुके हैं जिसका नाम है चंगेरा रिजॉर्ट कुछ करके इसका नाम है, मैं नाम भूल चुका हूँ। पीछे आप देख सकते हैं लोग तस्वीरें भी ले रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे नहरें बहुत सारी है, जहाँ जहाँ मैं रुकूंगा आपको तमाम चीज़ों की वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन खेल जाने का मुझे बहुत दुख है कि हम खेल नहीं जा सके, चेयर लिफ्ट में जाते वहाँ के मैं आपको व्यू दिखाता, लेकिन
पॉसिबल नहीं हो सका, बहुत दूर है। अब हम जा रहे हैं शारदा विलेज की तरफ। क्या करेंगे भाई, कश्ती चलाने का प्लान है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, हम आपको आगे दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम ब्रिज के ऊपर से चलते हुए जा रहे हैं। कश्मीर का फ्लैग और लोग जिस तरह से आपको दिख रहे होंगे जा रहे हैं, तो हम भी ये ट्राई करने जा रहे हैं। आई एम एक्साइटेड, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये व्यू चेक करें आप, जस्ट लुक एट द व्यू। ओए होए होए होए, ठीक ठाक हम लोग लोगों ने इंजॉय किया यहाँ पे। कुछ जगह रह गई थी लेकिन यकीन करें बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत, हरियाली हरियाली, ग्रीनरी ग्रीनरी आपको हर जगह दिखेगी, पानी की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, तो बहुत बेहतरीन जगह है। तो यू गाइस शुड विजिट हियर। आए चले, हम जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और जाके बाकी आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं कि क्या होता है। मैं जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। बाकी चलाते कैसा मज़ा आएगा, आई एम रियली एक्साइटेड, सो आपको बताता हूँ पहुँच के। बहुत साफ जैकेट पहन, एक मिनट टाइम कम हमारे पास, राइट बहुत। आ गए लोच किरण की तरफ, वहां सारे इंडियन है, वो देखें हाथ दिला रहे हमें। ये देखें हम इंडियन बॉर्डर हमारे सामने है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ताकि सारे इंडियन वहां पे खड़े और यहाँ हम लोग खड़े, आप देख सकते हैं। वो तमाम इंडियन वहाँ पे भी एंजॉय करने आए हैं कश्मीर में, वहाँ पे भी लोग हाथ हिला रहे हैं एक दूसरे को। सामने इंडियन बॉर्डर है, आप देखें वो किस तरह से हमें हाथ हिला रहे हैं। सीटियाँ बजा रहे हैं। यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ, हमें जाना है अभी, कोई पॉइंट आएगा वहाँ पे तो हम रुकेंगे, अगर नहीं आया तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं। इस पॉइंट से भी निकल रहे हैं, कश्मीर से भी जा रहे हैं, अपने घर की तरफ हमें जाना है, और बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र है। अगर आगे कोई पॉइंट आया तो हम वहाँ पे ज़रूर रुकेंगे, अगर नहीं आया तो नहीं रुकेंगे। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ज़रूर वीडियो दिखाऊंगा कि हम वीडियो कहाँ एंड करेंगे। लेट्स सी कि आगे कोई पॉइंट आया हम वहाँ रुकें, और अगर नहीं आया तो नहीं रुकेंगे, चलते हैं। और बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। आते वक्त तो मज़ा आ रहा था लेकिन जाते वक्त खौफ था रही। इस वक्त मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे थे, रोड पूरा जाम है, तो अभी पता नहीं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, रोड खुलते और यहाँ से निकलते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कहाँ तक गाड़ियाँ जाम है, मैं शायद आपको दिखा सकता हूँ अगर ये जूम हो तो, बहुत आगे तक रोड जाम है। जब मैं यहाँ से मुजफ्फराबाद से कश्मीर की तरफ जा रहा था तो मैं आपको फ्लैग से इसे दिखा नहीं सकता था, लेकिन अब देखें अब जब हम यहाँ पर रुकें तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, पिक्चर्स खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। वो सामने इंडिया ही, वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राउंड पे, बच्चे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ मैं खड़ा हूँ, मिर्जा भाई हमारे साथ है, तो हम इस पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, जिस तरह आपको पता है कि कश्मीर पूरा हरियाली से भरा हुआ है, तो ये चेक करें। अब हम भिंडी में पहुँच गए और काफ़ी देर से यहाँ पर रुके हुए हैं, रात से हालत बहुत टाइट हो गई है। हम कराची की गाड़ी में बैठे हैं और बहरा के स्टॉप पे आप सामने देख सकते हैं मैकडॉनल्ड है, हार्डीज है, ये मतलब बहुत ही अच्छा बना हुआ है, पिज़्ज़ा हट भी है, बहुत सारे जो है यहाँ पे चेन्स बनी हुई है, फूड चेन। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं, बाय रोड विजिट कर रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ पे रुकें। डंकिन डोनट भी है सामने, तो हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी है और थोड़ा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। कोई इतना अच्छा स्टॉप आएगा मैं दोबारा आपको वीडियो दिखाऊंगा। अभी नमाज़ पढ़ते हैं फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। तो फाइनली वापस आ गए जहाँ से सफ़र शुरू किया था, कराची आ गए। अब बस इस वीडियो को एंड करेंगे, और अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।